हिंदुस्तान को बहुत बहुत मुबारक हो, इनको शाबाश देनी चाहिए, इनको थप्पी भी देनी चाहिए और ये बताना चाहिए कि आपके टीम में से आने वाले कुछ लड़के ऐसे हैं जो हिंदुस्तान की जान से खेलेंगे। जी बड़े मियां छोटे मियां सुभान अल्लाह जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया आज साबित किया कि बाप बाप होता है और मुझे लगता है कि बड़ी टीम जिस तरह खेलती है छोटे बच्चों ने उनसे भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश किया। इंडिया वर्ल्ड चैंपियन सबसे पहले उनको मुबारक, दे प्रूव्ड इट, दे हैव बीन अनबीटन इन द होल टूर्नामेंट। बैटिंग ले लो, बॉलिंग ले लो, फील्डिंग ले लो, दलेरी ले लो, जो भी नाम दे दो उनको, उन्होंने क्रिकेट हर तरीके से खेली। आज 183 भारत ने बोर्ड के ऊपर लगा दी है, ये भारत की इंडिया ए की टीम है और अगर आप देखें 183 बोर्ड के ऊपर लगा है। पाकिस्तान के स्पिनर्स ने बड़ी शानदार बॉलिंग की, पावर प्ले के अंदर 68 था, कोई आउट नहीं था। इस भारतीय टीम की जो एक खास बात मुझे पसंद है कि ये ऑपोजिशन को चैलेंज तो करती है मगर जैसे कि ये टीम अपने आप को भी चैलेंज कर रही हो। जितना बड़ा मुकाबला, जितना प्रेशर वाला मैच, जितना कड़ा इम्तिहान, उतने अच्छे नंबर लेके आते हैं। इनके 4 आउट हो गए, मैंने बंद कर दिया, मैंने कहा नहीं, फिर मुझे बाद में याद आया नहीं ये तो इंडिया की टीम है, ये तो भी ये इट इज नॉट ओवर अंटिल इट इज ओवर। गए थे लेकिन ये वर्ल्ड क्लास, पहली क्लास, दूसरी क्लास, अबे घंटे की क्लास, लानत होने लानत पड़ जाए तुम लोगों पे। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान और इंडिया के यंगस्टर्स आमने सामने और जैसे पाकिस्तान ए और इंडिया ए का मैच चल रहा है, इंडिया ने 184 रन बनाए, बड़ा टोटल डाल दिया। टॉस पे चूंकि कैप्टन चाह रहा था कि 170 के आसपास टारगेट रखता है 170 का और हासिल हुए हैं 183। प्रेशर में अपनी बेहतरीन जैसे कि क्रिकेट खेलते हैं ये, इनका फोकस बढ़ जाता है जैसे कि सारे स्विच्ड ऑन हो और गेम को रीड करने की सलाहियत भी बेहतर हो जाती है, रोल्स वेल डिफाइंड हैं, फिर इंडिविजुअल स्किल्स भी बहुत शानदार हैं। उसके बाद 7 से 15 ओवर तक 9 ओवरों के अंदर पाकिस्तानी स्पिनर्स ने शानदार बॉलिंग की, स्कोर को रोके रखा, लेकिन फिर से पावर प्ले के अंदर भी हमारे फास्ट बॉलर ने डिस्गस्टिंग बॉलिंग की। पावर प्ले 15 ओवर के बाद भी आखिरी 5 ओवर के अंदर हमारे जो पेसर्स हैं उन्होंने बड़ी बुरी बॉलिंग की और इस टूर्नामेंट का अभी तक इस टूर्नामेंट के अंदर चौथा मैच हो रहा है, इससे पहले तक किसी ने भी 180 क्रॉस नहीं किया, 169 हाईएस्ट था वो भी आज स्कोर हुआ था और भारतीय टीम ने 183 बोर्ड के ऊपर लगा दिए जो कि हाईएस्ट टोटल है अभी तक इस टूर्नामेंट का। बट यहां पाकिस्तान के पास भी अगर बैटिंग देखें तो नाम तो है लेकिन मजे की बात है कि अब ये जो आखिरी बॉल पे इसने ये जो अपना रासिक सलाम है इसने जो आखिर में छक्का मार के ना ये साइकोलॉजिकल एक एडवांटेज भी दे दिया कि स्कोर को पहुंचा दिया 180 के ऊपर। ये 183 एक बड़ा जबरदस्त स्कोर है। इंडिया की मेन टीम इतनी अच्छी है, इंडिया अंडर 19 की लेगेसी इतनी अच्छी है, आज कमाल की बारी खेली और यही बारी सूट करती है इंडिया जैसी क्रिकेटिंग नेशन को। यार आप इतने बड़े बोर्ड, आप माड़ा मोटा 150 ना करो, आपके जब बैट्समैन बारी करें तो अच्छी तगड़ी बारी करें। इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत 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 ज्यादा अच्छी थी, स्पेशली उनके कप्तान की और बहुत ज्यादा माशाल्लाह उन्होंने आज बहुत ही ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस की है। देखिए इंडिया करती है एक वो टीम वर्क करती है, वो प्रैक्टिस करती है पहले, ठीक है, अच्छा खासा उनका पता होता है कि हार्ड वर्किंग होती है उनकी। हमारे पाकिस्तान में मुझे नहीं लगता कि ज्यादा हार्ड वर्किंग वगैरह लोग। और पाकिस्तान को जीतने के लिए चाहिए 184। आखिरी गेंद पे भी छक्का खाया जनाब, आखिरी गेंद पे भी छक्का और ओपनिंग बड़ी शानदार थी दोनों की। हमने देखा है आईपीएल में जिस तरीके से खेलता है प्रभसिमरन सिंह, ही वॉज अमेजिंग, बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन। उसने तो आके जैसे अटैक किया, शुरू में वही अटैक किया जा रहा था और अभिषेक थोड़ा सा उसके बल्ले पे गेंद नहीं आ रही थी लेकिन उसने फिर एक ही ओवर में 24-25 रन एक ओवर में डाले और कहीं ना कहीं जो रन बॉल चल रहा था 15 गेंदों पे 16 गेंदों पे उतने रन उतने ही बॉल, तो उसने भी फिर हमें पता है यार वो इंटरनेशनल लेवल पे अब खेल रहा है इंडिया के लिए और बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। तो दोनों की जो ओपनिंग बारी थी वो बड़ी शानदार थी। ये टांगे नामौलूद है, नाकाम है, इनमें एनर्जी कम है, ये दवाइयों पे चलने वाले, ये बैटरी पे चलने वाले नमूने हैं, ये जोकर है, ये डाबर है, ये डामर है, ये बाबर नहीं है, अगर ये तुम्हें चे बनाकर चला रहे थे, ये पूरी कंपनी को लपेटो, बत्ती बनाओ, घुसा लो और वही ले जाके इनको खिलाओ जहां जिन छतों से इनको उतार के लेकर आया, पाकिस्तान के नाम पे ठोक दिया तुमने और बोला दुआ करो इनके लिए, मैं देता हूँ लालत ऐसी अप्रोच और इंटेंट के ऊपर। देखिए तिलक वर्मा बड़ा स्लो खेल रहा था, उसने अपनी विकेट बचाई रखी, एंड पे उसने छक्के मारे, आउट होके चला गया। आप ये देखिए कि इंडिया का प्रभसिमरन सिंह उसने क्या खेला है, 19 बॉलों के ऊपर 36 मार के गया वो 198 के स्ट्राइक रेट से। अभिषेक शर्मा शुक्र करें वो आउट हो गया, उसके बाजू खुल के तो उसका हाथ शुरू हो गया हुआ था, उसने एक ओवर के अंदर 25 मारा, आपके जैसे कहते हैं ना आपके अब्बास अफरीदी को जो कि हमारा वर्ल्ड कप खेला हुआ है। आप ये देखिए कि पाकिस्तानी टीम के अंदर कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो इंटरनेशनल खेल चुके हैं, मैं नाम बताऊंगा आपको, मोहम्मद आरिफ इंटरनेशनल खेल चुका हुआ हैदर अली इंटरनेशनल पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुका है वर्ल्ड कप के अंदर, अब्बास अफरीदी इंटरनेशनल खेल चुका हुआ, जमान खान आपका इंटरनेशनल खेल चुका, किसी को मैंने मिस किया नहीं किया, ये 4 लड़के आपके इंटरनेशनल खेले हुए। इंडियन टीम से सिर्फ और सिर्फ अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा, इसके अलावा कोई है जिसने इंटरनेशनल खेला? पावर प्ले में 68 रन आए हैं 68 अभी तक के जितने भी मैच हुए हैं इस टूर्नामेंट के, तो सबसे ज्यादा पावर प्ले में जो रन आए हैं वो यही आए हैं 6 ओवरों में 68 गेंदे बस आ रही थी जा रही थी, चौके और छक्के चल रहे थे, सिंगल डबल या डॉट था या चौका था या छक्का था या बीच में कोई एक आधी कोई गेंद इधर उधर कोई सिंगल निकल आए, 3-4 सिंगल निकली होंगी, बाकी यही हिसाब किताब था, छक्के लग रहे थे चौके लग रहे थे। तो दोनों ने बहुत ही शानदार पावर हिटिंग का मुजाहिरा किया और 6 ओवरों में 68 तो ये वो खेल है कि जो हम देखते हैं अक्सर, दिस इज द मॉडर्न डे ऑफ क्रिकेट, इस तरह से चलेगी मॉडर्न डे जिस तरह चलती है क्रिकेट कि 6 ओवरों में 70 रन, 65 रन, 75 रन,
तो वही हमें देखने को मिला कि ये हिसाब किताब था। तो बहुत ही शानदार और बेहतरीन किस्म की हिटिंग हुई। हाँ, लेकिन उसके उनके आउट होने के बाद फिर पाकिस्तान के स्पिनर्स ने कहीं ना कहीं इनको गेम में लेके आया। तो मैं तो आई एम बिट सरप्राइज कि ये कैप्टन ने वो अरफात मिन्हाज से सिर्फ एक ही ओवर क्यों करवाया, एक ओवर चार रन उसने दिए हैं। तो गिव हिम द बॉल, जब आपके जो स्पिनर्स हैं उन्होंने कंट्रोल दिया है। वो कासिम अकरम चार ओवर में 20 रन दिए हैं, सुफियान मुकीम हिटू का कपल ऑफ विकेट्स, तो क्यों नहीं उसको ओवर दिया भाई, स्पिनर्स को जरा बीच में अब दो। वो वाला फेज था जब स्पिनर बॉलिंग करने के लिए आए तो थोड़ा सा पाकिस्तान ने कंट्रोल वापस जरा ले गया, कंट्रोल तो खैर नहीं कह सकते लेकिन थोड़ा सा अपने आपको गेम में वापस लेके आए। पता था ये फिनिश पाकिस्तान से नहीं हो पाएगा। इस दरमियान जो मैंने जो कुछ कहा वो भी अगर लोग नहीं समझ सकते भैया, इस वीडियो पे आने से पहले जहां जहां पे मैंने कहा कि अब भी इंडिया के हाथ में है, क्योंकि अगर बैटिंग फेल तो बॉलिंग परफॉर्म, बॉलिंग फेल तो बैटिंग परफॉर्म, ये होता है कॉन्फिडेंस। 140 करोड़ की टीम थी, 25 करोड़ तो बेवकूफ बना के नहीं बनाई गई थी। जी हाँ, और ये मेरिट है, शर्म आनी चाहिए, गैरत आनी चाहिए, लेकिन आएगी नहीं। अभी भी लोग कुछ लोग जो है वो इसमें से कुछ और निकालेंगे, मैं जानता हूँ क्या, मैं अपने पास से रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि ये भी गलत। आप कहते हैं आपके पास स्पिनर्स नहीं है, सुफियान मुकीम शानदार बॉलिंग की, आपका अरफात मिन्हाज शानदार बॉलिंग की, कासिम अकरम शानदार बॉलिंग की, लेकिन जिस बंदे ने आपको इंटरनेशनल में खेला हुआ जमान खान उसको 42 पड़ रहा है, अब्बास अफरीदी 43 तीन ओवर में 43 खा रहा है। किससे खा रहा है? उनसे खा रहा है जिन्होंने आज तक जिसको कहते हैं इंटरनेशनल खेला हुआ। रमनदीप का कैच आपने हैदर अली सीधा छोड़ दिया, फिर रमनदीप ने मेला ना बाद में छक्का, ये क्या परफॉर्मेंस आप करके दिखा रहे हो? आखिरी बॉल कैसे छक्का खा के चले गए? जहां पे पाकिस्तान ने स्पिनर्स ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म सेट करके दिया था वहां पे पाकिस्तान को चाहिए था 160 165 पे रोक लेता, वहां पे आपने 183 खा ली है। उमर देखो, बाउंड्री बड़ी छोटी है, ग्राउंड बड़ी छोटी है, पाकिस्तान भी मार सकता है, लेकिन द मोमेंट पावर प्ले खत्म हुआ था यहाँ पे हिटिंग करना आसान नहीं हो रही थी। तिलक वर्मा को आपने भी देखा, तिलक वर्मा को आपने भी देखा है, वो तेज खेल सकता है लेकिन वो क्यों स्लो खेल रहा था? उसने कुछ कंडीशन को रीड किया था ना कि वो स्लो हो गया था, कोई वजह होगी। अभी तो हम कह रहे हैं कि तिलक वर्मा स्टार्टिंग में स्लो खेल रहा था लेकिन उसके बावजूद 183 हो गया है वहां पे जब वडेरा खेल रहा था और तिलक वर्मा, तो दैट वाज द फेस कि जरा थोड़ा सा रन रेट हल्का सा नीचे आया, लेकिन फिर एंड के जो तीन ओवर में कुट लगी है वो बड़ी मैसिव लग गई है, बहुत ज्यादा एंड पे कुट लग गई है। और जो लग रहा था कि जनाब तीन ओवरों में 30 को रन कर ले तो 170, तो तीन ओवरों में लास्ट के कोई 45 रन आ गए, आखिरी तीन ओवरों में इतने ज्यादा 45 के करीब रन आ गए, तो बहुत फेंटी लगी है। और 18वें ओवर में भी 19 रन, तो आखिरी तीन ओवरों में आप हिसाब लगा लेंगे अच्छे खासे रन जो है वो निकले हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, आपने वीडियो देखा होगा, वीडियो में किस प्रकार से पाकिस्तान मीडिया काफी रोना धोना मचा रखा है अपनी हार को लेकर के, क्योंकि भारत की शानदार जीत को देख करके पाकिस्तान मीडिया अपने खिलाड़ियों को भी कोसता नजर आ रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि भारत ने 8 विकेट के नुकसान पर 183 रन बनाए थे, जिसकी उसी को लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तानी उस लक्ष्य को पीछा न कर पाए और हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों आपको बता दें कि ओमान में इमर्जिंग एशिया कप 2024 की शुरुआत हो गई है। टूर्नामेंट के चौथे मुकाबले में इंडिया ए के सामने पाकिस्तान ए की चुनौती है। वहीं टॉस जीतकर पहले भारतीय टीम ने बल्लेबाजी करी और यह मुकाबला अल अमरात क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। इंडिया ए की कप्तानी तिलक वर्मा कर रहे थे, वहीं पर पाकिस्तान ए की कप्तानी मोहम्मद हारिस कर रहे हैं। पहली बार इस टूर्नामेंट का आयोजन T20 फॉर्मेट में कराया जा रहा है। वहीं भारत के खिलाफ इमर्जिंग एशिया कप में 184 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तानी टीम भारतीय गेंदबाजों के सामने ढेर हो गई और जीत ना सकी, और वहीं पर भारत ने शानदार जीत हासिल करी। इसी को देखकर दोस्तों पूरा वीडियो है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।